आज हमने एक पिस्तौल क्या दी तो तुम्हें गुनाह का एहसास हो रहा है? और तुमने जो सैकड़ों हथियार सरहद के इस पार भेजे उसका कुछ नहीं? गुलफाम हसन, इस मुल्क ने तुम्हें प्यार और इज्जत दी, रुतबा दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? हैवानियत का माहौल, खून खराबा। हमने तुम्हें कातिल नहीं बनाया गुलफाम हसन, तुम पहले से ही गुनेगार थे। हमने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे से फनकार का नकाब उतारा है। जानती थी मगर आज से सारी दुनिया तुम्हें एक धोखेबाज और कातिल के रूप में जानेगी। हाँ, गुनाह था मगर तुम्हारे साथ जो हुआ वो बंटवारे की वजह से हुआ, और तुम अकेले नहीं थे जिसके साथ ये हुआ। लाखों लोग मारे गए, बेघर और अनाथ हुए, और ये दोनों तरफ के लोगों के साथ हुआ। मगर अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी पहले जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, आज भी लोगों को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब कभी नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। गुलफाम हसन, बंटवारा हमारे लिए भी कोई खुशी का दिन नहीं था। हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं, लेकिन हम जब भी उस सदमे को भुलाने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे आदमी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते हैं। कैसी बकवास बातें कर रहे हो गुलफाम हसन, और किस कौम की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी कौन सी कौम? अगर तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहां हिंदुस्तान में है। तुम्हारी बंदूक से भेजी गोली किसी का धर्म पूछकर उसे नहीं मारती, बल्कि तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मरते हैं, तुम्हारी हरकतों से वो बदनाम होते हैं। खून खराबा फैलाकर तुम किसी कौम की मदद नहीं कर रहे हो गुलफाम हसन, और कौम की बात करना तो सिर्फ एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों के लालच में अपने देश को बेचने चला था हराम ज्यादा। तुम जैसे लोग दुश्मन होते हो सारी इंसानियत के। गुलफाम हसन, मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने तुम जैसे इंसान को कभी अपना दोस्त समझा। सलीम,